Hey guys, welcome back my video. आज से मैं आपको हॉलीवुड बॉलीवुड साउथ सभी अपकमिंग मूवीज के अपडेट देता रहूंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है तो वॉच दिस वीडियो। तो मेरे भाई एक और ऑस्कर की तैयारी कर लो क्योंकि ये आदमी लाए बगैर मानेगा नहीं। समझ तो गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। यस गुरु, SS राजामौली के बारे में। SS राजामौली का काम तो हम सब लोग देख ही चुके हैं, फिर चाहे वो मगधीरा हो, बाहुबली हो या त्रिपुरार हो। और अब SS राजामौली की न्यू मूवी आ रही है जो बेस है जंगल एडवेंचर के ऊपर, अनटाइटल, और उसमें लीड रोल में आने वाले हैं हमारे सबके महेश बाबू। तो बंधु मैं तो तगड़ा फैन हूँ महेश बाबू का। भाई का स्वैग ही अलग है, भाई खुद में ही सलमान खान से कम नहीं है। फिर चाहे भाई की कोई सी मूवी भी हो, द रियल तेवर, स्पाइडर, महर्षि, परफॉर्मेंस देख रहे हो भाई की, कोई भी शक नहीं है मुझे भाई के ऊपर, बाकी देखते क्या होता। तो SS राजामौली की नई मूवी आने वाली है जो हमारे सूत्रों से ये पता लगा है कि इस मूवी की शूटिंग ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में होने वाली है। बवाल होने वाला है भाई फिर। और ये मूवी अभी अपने राइटिंग स्टेज पर ही है। टाइम लगता है गुरु इतिहास बनाने में, अगर सब कुछ सही रहा तो। फिर से लॉकडाउन नहीं लगा तो इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो सकती है इस साल के एंड में, सवर नहीं होता है। और आपके साथ मुझे भी देखने को मिल सकती है 2025 में। तो बंधु महेश बाबू का जो कैरेक्टर है वो इंस्पायर होने वाला है हमारे हनुमान जी के ऊपर। जिस तरह हनुमान जी लोगों के संकट का निवारण करते हैं उसी तरह महेश बाबू का कैरेक्टर भी लोगों के संकट का निवारण करेगा। जिस तरह ट्रिपल आर में रामचरण का कैरेक्टर इंस्पायर था भगवान श्री राम से और जूनियर NTR का कैरेक्टर इंस्पायर था हमारे महाभारत के भीम के ऊपर। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि SS राजामौली बहुत इंस्पायर होते हैं रामायण और महाभारत से। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो इसका परिणाम तो आप लोग देख ही चुके होंगे, RRR, बाहुबली, मगधीरा से। नहीं देखी तो जाके जरूर देख। तो इसको देख के गुरु मेरे को एक कहावत याद आ रही है, जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे का रोना। कुछ लोग आज भी बाहर जाके सोना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन मूर्खों को कौन समझाए, टैलेंट है अपने पास, नजरिया बदलो बस। ये बात जिसके समझ में आ जाती है वो हमको बाहुबली, RRR और मगधीरा जैसी मूवी बना के दिखाता। सीखो कुछ यार। बंधु रूमर तो ये भी आ रहा है कि हमारे थोर यानी क्रिस हेम्सवर्थ का रोल भी इसके अंदर हो सकता है, भले वो कैमियो हो या लीड रोल। बंधु मैं तो पर्सनली इन दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ, महेश बाबू का स्वैग और क्रिस हेम्सवर्थ का एक्शन, बवाल होने वाला है भाई। जब मैंने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी द ग्रे मैन में धनुष का कैमियो देखा था, दिल से खुशी हुई थी भाई मेरे को, क्या काम करा था भाई ने, दिल जीत लिया था। और बाकी अब किस किस का कैमियो हो सकता है किसका नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, मगर ये बंदा कुछ भी करा सकता है। तो बंधु रूमर तो ये भी है डिज्नी या सोनी पिक्चर में से कोई एक इनके साथ में आ सकता है। पैसा, RRR और बाहुबली देखने के बाद लोगों को पता लग गया कि ये आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, मौका मिले जाने मन। तो जाने का समय आ गया है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलेंगे थोड़ी देर बाद।